खड़ा हूँ, ये देखें। और ये हम जा रहे हैं दूसरी साइड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SHR व्लॉग्स। आज हम आए हैं दरियाए सिंध के किनारे। ये जितना भी रकबा है सारे का सारा दरियाए सिंध का। फिलहाल तो ये खुश्क हुआ है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पानी आ जाता है। तो हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? हमारी है यहाँ ज़मीनें, तो हम आपको आज सारे का सारा बताएंगे कि हम अपने अगर हमने ज़मीनों पर जाना हो दरिया पार, तो हम यहाँ से कैसे जाएंगे और यहाँ से लोग कैसे आमद रफ्त वगैरह करते हैं। बताओ दरिया के किनारे आ गए हैं। ये देखें, ये दो तीन यहाँ बड़े बड़े बेड़े खड़े हैं, हम इसको अपनी ज़ुबान में बेड़े कहते हैं। और अब यहाँ कश्ती में ना अपना बाइक लोड करेंगे और लोड करके ये हमें दूसरे साइड पे लेके जाएगी जहाँ हमारी ज़मीन है। बाकी ये ट्रैक्टर के जो ट्रालियाँ हैं, रेड़े हैं, ये भी लोड होके ना इस दरिया में इन बड़े बेड़ों के ऊपर से रख के फिर ये इस साइड पर लेके जाते हैं, फिर जाके मिल पर जाते हैं। ये देखें, इस तरह इसकी बाइक की लोडिंग करते हैं, इस तरह इसको कश्ती पर रखेंगे। ये कि इस तरह इसको लोड कर दिया है। वो तो थी छोटी कश्तियाँ जिस पे आम लोग आते जाते रहते हैं। और इधर हैं ये बड़े बड़े बेड़े, तो जो ये बेड़े हैं इसको बेड़े भी कहते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, तो इसको बेड़े कहते हैं। तो इनके ऊपर ट्रैक्टर और ट्रालियाँ वो सारे लोड करके, गन्ना लोड करके इनके ऊपर से लेके आते हैं। देखें ये बड़े बड़े बेड़े हैं, इनके ऊपर ये रख के लेके आते हैं वो वाले, वो ट्रालियाँ अभी इन पर लोड करके लेके आए हैं। तो इस तरह यहाँ के लोग अपनी आमदोरफ्त वगैरह करते हैं, अपनी चीज़ें वगैरह लेके आते हैं और लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ देखें, ये इन्होंने दो आपस में जोड़े हुए हैं बड़े कश्ते, और इन्हीं के ऊपर ये फिर बड़ी जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ होती हैं इनके ऊपर लोड करके आते हैं। ये इन्होंने कुछ इस तरीके से जोड़े हुए हैं, गार्डर रख के, और ये पूरा इनका रैंप बनाया हुआ है, और इसके ऊपर से ये फिर लेके आते हैं। तो आप साइज़ चेक करें कितने बड़े बड़े बेड़े हैं, ख़तरनाक काम है। जब ये लोड होके आ रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल इनके किनारों के साथ पानी टच हो रहा होता है, मतलब वज़न ही इतना होता है आगे उनका ट्रैक्टर ट्रालिंग का। इन्हीं की हिम्मत है जो ये ले आते हैं। तो जी, ये स्पीटर हमने चला दी है और अब हम भी जाने लगे हैं। चाचू जी खड़े हैं साथ, अब हम जाते हैं दूसरी साइड। फ्रंट साइड पे आ गया हूँ और हर तरफ दरिया ही दरिया है, पानी पानी है, चेक करें। और वैसे आपस की बात है, मुझे खुद को डर लग रहा है। चाचू जी क्या हाल है? डर लग रहा है? मुझे तो बड़े चक्कर से आ रहे हैं। ओए होए होए, माशाल्लाह व्यू चेक करें। अच्छा जी, देखें दूसरी साइड पे एक और कश्ती आ रही है, और हमने बस ये इसी साइड पे जाने हैं, सामने जहाँ लोग खड़े हैं यहाँ जाके हम उतर जाएंगे। दरिया की दूसरी साइड आ गई है, वो देखें एक सामने कश्ती है, जूम करके देखा पहुँचने वाले हैं। सामने कश्ती आ गई, ये देखें
ये सामने जी एक और कश्ती जा रही है, लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो पानी है भी बड़ा गहरा वैसे, आपस की बात है, पानी चेक करें। मैं पहली दफा तो आया हूँ लेकिन डर बड़ा लग रहा है, क्या करें। जी तो हम तो पहुंच चुके हैं अपने दूसरे किनारे, वहां से लोग अपना ये जो बाइक वगैरह चढ़ाई थी वो बाइक उतार रहे हैं। बाकी यहाँ ओ चाचा जी ये देखो, चाचा जी हैं अपना माल वगैरह दूसरी से रहते हैं। अच्छा ये गाय है और ये उसका छोटा सा बच्चा है। ये गाय गरीबा कुड़े सा और दूध पीसन। हाँ ये में हाँ जिन्ना दी त्रोकड़ को नहीं दूध पिले सा मैं को सवाब थी थी। हाँ, ये में ही है। अच्छा जी तो अब हमारी बाइक की बारी आ गई है, यहाँ से बाइक अनलोड करेंगे, बाकी इसके बाद फिर आगे जाते हैं। उधर वो बड़ी किश्तियाँ पहुँच गई हैं। ये फट्टा लगाया और ये अब ले आएंगे यहाँ से। ये जो कश्तियाँ सारा दिन इसी तरह इस साइड से उस साइड तक चलती रहती हैं। ये और बाइक्स वाले आ गए हैं, ये वाले भाई फिर अब दूसरी साइड पे जाएंगे। ये आ गए अपना बाइक। जी हम तो पहुँच गए अपनी जगह पे, फिर अब आगे जाते हैं ज़मीन पर। जी तो हमने कश्ती वाला तो सफ़र कर लिया सारा जितना किश्ती का सफ़र था, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं बाइक पे। यहाँ से तकरीबन थोड़ी देर बाइक पे जाएंगे, आगे जाके ज़मीन आ जाएगी, वहाँ जाके आपको सारी आपको दिखाएंगे। तो जी हम पहुँच गए अपनी ज़मीन पे, ये रही अपनी ज़मीन, ये बोर चल रहा है और इसके बाद ये रहा हमारी सोलर प्लेट्स। ये है ट्राली वाला स्टैंड, इसके साथ ट्रैक्टर अटैच करके रोज़ाना हमारा मतलब जो ये प्लेट्स हैं ये उधर से किश्ती पर लोड करके फिर यहाँ लेके आते हैं, फिर आके इधर बोर वगैरह चलता है और यहाँ पानी लगाते हैं। मतलब डेली का इनका इसकी काम है, डेली को इसको लोड करते हैं कश्तियों पर, फिर उसके बाद जी यहाँ आते हैं, यहाँ के चलाते हैं, फिर शाम के टाइम फिर दोबारा इसको लोड करके घर लेके जाते हैं। तो जी ये बिल्कुल हमारे दरिया के किनारे पे ये सारे का सारा रकबा ये हमारा है। वो सामने जो दरख्त हैं दरख्तों के पीछे यहाँ दरिया बह रहा है, बिल्कुल उसी के किनारे पर हमारा सारा रकबा है। ये हमने गंदम यहाँ लगाई हुई है और ये देखें सोलर चल रहा है और ये जो गंदम का पानी लगाया हुआ है, मतलब जब भी पानी आता है ना, ये फ्लडेड एरिया है हमारे, जैसे थोड़ा सा पानी अप होता है तो सीधा हमारे इधर रकबे में आ जाता है। गर्मियों में फ्लड आता है तो गर्मियों में यहाँ सारे का सारा यहाँ पानी ही पानी होता है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ पानी ही होता है। अच्छा जी तो हमने जो यहाँ फसल वगैरह देखनी थी, जो हिसाब किताब करना था वो कर लिया है। बाकी अब आ गए हैं दरिया पर, सामने से बड़ी किश्ती आ रही है,
इस पे अपना मोटरसाइकिल वगैरह लोड करेंगे और इस पे बैठ के फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे। अच्छा जी, तो ये चाचू वगैरह मोटरसाइकिल अब ये बड़े कश्ते पे लोड कर रहे हैं। यार बड़ा मुश्किल है यहाँ आना जाना, इस तरह ये काम करना बड़ा मुश्किल है, बंदा लोडिंग अनलोडिंग में पूरा हो जाता है। आराम से देखें, तो ये मैं टैक्सी के फ्रंट पे खड़ा हूँ, ये देखें, और ये हम जा रहे हैं दूसरी साइड पर। बंदे के पाँव कांपते हैं जब ये चल रही होती है। और इसकी स्पीड भी बड़ी है, बस पहुंच भी गए, देखें किनारे पे पहुंच भी गए हम। दरियाए सिंध में ये कश्ती चल रही है। बस किनारे पे पहुंच गए हैं, अब पहुंच के इसको मोटरसाइकिल को अनलोड करेंगे और उसके पास ही रास्ते मिलते हैं। मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।